नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल द फनकार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि मैं कुछ नए नए किस्से, अनजाने सच जो बॉलीवुड और म्यूजिक रिलेटेड होते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। आज इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बात करेंगे शेरिंग फिनसो डेनजोंगपा के बारे में। जी हाँ, डैनी डेनजोंगपा के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम विलेन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब बटन को अगर अभी तक नहीं दबाया आप लोगों ने तो जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। शेरिंग फिनसो डेनजोंगपा, यह था डैनी का असली नाम। 25 फरवरी 1948 में सिक्किम के एक छोटे से गांव में डैनी का जन्म होता है। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। डैनी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनके मम्मी जी ने इसका विरोध किया था। इसी कारण से वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे FTII ज्वाइन कर लेते हैं। FTII में पढ़ाई के दौरान उनके रूप रंग के कारण उनके दोस्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे। डैनी को हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता था, इसी कारण से उनके दोस्त लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारते थे। इसके अलावा भी उनका नाम भी इतना लंबा था, शेरिंग फिनसो डेनजोंगपा, उनको याद नहीं रहता था। वो लोग उनको चीना कहकर पुकारते थे। जया भादुरी जी, जो उनके क्लासमेट थी, उन्होंने डैनी को एक सजेशन दिया, कहा तुम अपना नाम चेंज कर लो, कुछ इजी सा रखो। और उन्होंने ही ये सजेशन दिया कि तुम अपना नाम चेंज करके डैनी रखो। डैनी को ये बात पसंद आती है और वो शेरिंग फिनसो डेनजोंगपा से बन जाते हैं डैनी डेनजोंगपा। FTII में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डैनी को वहीं पर ही एक योगा टीचर का जॉब मिल जाता है। डैनी ये काम करने के साथ साथ मुंबई में अपना किस्मत भी आजमाना शुरू कर देते हैं। डैनी को पहला ब्रेक देते हैं प्रोड्यूसर BR इशारा जी। मूवी का नाम था जरूरत। मूवी कुछ खास नहीं चलती। जी नहीं, शुक्रिया। नो फॉर्मेलिटी। जी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। ओ मिस्टर डैनी, मेरा ख्याल है ये नौकरी आपको मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डैनी को छोटे मोटे रोल्स मिलने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर उनको नौकर के रोल ही मिलते थे उनके रूप रंग के कारण। काम नहीं है वरना यहाँ, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, 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 है। डैनी का जब पुणे में ट्रेनिंग चल रहा था, तब BR चोपड़ा एक बार आते हैं वहां एज ए एग्जामिनर। उनको लगता है कि इस लड़के के अंदर कुछ गुण है, एक अच्छा एक्टर ही बन सकता है। वो डैनी को ये कहकर जाते हैं कि जब तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तब मेरे साथ के मिलना, शायद मैं तुमको कुछ अच्छा रोल्स ऑफर कर सकूं। डैनी मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, छोटे मोटे रोल्स उनको मिल रहा था। तब उनको पता चलता है कि BR चोपड़ा जी एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम था धुंध। वो BR चोपड़ा जी से मिलने जाते हैं। BR चोपड़ा जी अपना वादा निभाते हैं, वो डैनी को पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करते हैं, लेकिन डैनी नहीं मानते। वो उस मूवी का एक किरदार जिसका नाम था ठाकुर रंजीत सिंह, ये किरदार निभाना चाहते थे। ये मूवी का विलेन था। चोपड़ा जी कहते हैं कि ये रोल एक
मिडिल एज इंसान का है और डैनी अभी यंग है, इस रोल में वो फिट नहीं होंगे। ये सुनकर डैनी चले जाते हैं। अगले दिन एक मिडिल एज इंसान ऑडिशन के लिए बिहार चोपड़ा जी से मिलने आता है। ऑडिशन होने के बाद अपना मेकअप उतारकर वो इंसान जब बीआर चोपड़ा जी के सामने खड़ा होता है तो वो डैनी होता है। ये किरदार देखकर, उनका ये एक्टिंग देखकर बीआर चोपड़ा जी बहुत खुश होते हैं और वो ठाकुर रंजीत सिंह का किरदार, वो रोल डैनी को ऑफर करते हैं। डैनी का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो भी यही चाहते थे। पूरे लगन से दिल लगाकर वो ये रोल निभाते हैं। धुन रिलीज होती है और सुपर डुपर हिट होती है। इसी मूवी के साथ एक सुपर हैंडसम विलेन का सफर शुरू होता है, जिसका नाम था डैनी डेंजोंगपा। छोड़ दूं ताकि तू उस कमीने कुत्ते के साथ जाकर सो जाए। कमीने कुतिया, तू समझते मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद डैनी को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। एक के बाद अच्छे अच्छे रोल्स उनको मिलने लगे, जैसे काला सोना, काली चरण। काले धंधे की कसम, शाका बहादुरी का दूसरा नाम है सरकार और बहादुरों की कदर करता है। सामने वाले दुश्मन को लड़ने से पहले बराबर का मौका देता है। 1971 से लेकर आज तक करीब 200 से भी अधिक मूवी में डैनी ने काम किया है, जिसमें से हिंदी, बंगाली, नेपाली और तमिल मूवीज भी हैं। डैनी एक योगा टीचर, एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी थे। उन्होंने नेपाली फिल्म में काफी सारे गाने गाए हैं। आगे आगे दो पै को गोला, पाची पाची मशीन गन बहरारा। आर डी बर्मन, हमारे पंचम दा ने डैनी से एक गाना गवाया था। फिल्म था काला सोना, ये एक डुएट गाना था। साथ में थी आशा जी। काफी लोगों को नहीं मालूम कि शोले का गब्बर का रोल पहले डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन तब डैनी के पास टाइम नहीं था, डेट्स नहीं थे, वो धर्मात्मा में काम कर रहे थे। इसी कारण से बाद में वो रोल, गब्बर सिंह का रोल, अमजद खान को दिया गया था। तो तेरे यार, हम सब जानते हैं कि अमजद खान जी ने इस रोल को, गब्बर सिंह का रोल कैसे निभाया था। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके। डैनी जी ने एज ए हीरो कई सारे बंगाली फिल्म्स में भी काम किया है और उन सब फिल्म में उन्होंने डायलॉग्स भी खुद ही बोले हैं। बोलन मिस्टर युधिष्ठिर, रोनू संगे प्रेम भालोबाशा सभी मिस्टर शैनर हुकुमन करे छे के ना। यहां मैं आप लोगों के साथ एक मजेदार बात, एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगा। लगभग 18 साल डैनी जी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम नहीं किया था। डैनी जी का सोच यह था कि अगर अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने के बाद फिल्म हिट हुई तो उसका श्रेय अमिताभ बच्चन जी ले जाएंगे, और अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो उसका दोष साथी कलाकार, विलेन, उनके ऊपर आएगा। जब अग्निपथ का रोल डैनी जी को ऑफर हुआ, तब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डैनी जी को लगा कि हां, इस रोल में दम है, बराबर का है, टक्कर का रोल है, तब वो राजी हुए। इसमें डैनी जी का कैरेक्टर का नाम कांचा चीना, ये भी डैनी जी का ही देन है। FTII के टाइम पे उनके दोस्त उनको चीना कहकर पुकारते थे, इसी नाम को ध्यान में रखे उन्होंने कांचा चीना नाम
अपने कैरेक्टर को दिया था। सांप तो मर गया, अब उस न्योले की बारी है जिसने दोस्ती करके सपेरे को डसने की कोशिश की। 2003 में डैनी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुछ लोगों को शायद ये बात पता है कि शादी से पहले डैनी जी का संबंध परवीन बाबी जी के साथ था। वो दोनों 4 साल एक साथ थे। अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के साथ डैनी जी खुश हैं, अच्छे हैं। हम यही दुआ करेंगे कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें, और हो सके तो मेरे पहले के अपलोड किए हुए वीडियोस आप जरूर देखिए, अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस।